हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हेडर फुटर और टेक्स्ट से रिलेटेड, और ये हमारी इंसर्ट टैब में जो ये ग्रुप्स हैं दोनों, इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप पर। सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? जैसे इस तरीके से हमारे पास ये कुछ आउटलाइनिंग आ जाती है जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसे हम जो है रीराइट कर सकते हैं इजीली। और ये हमारे पास काफी फॉर्मेट हमें ये यहाँ से मिल जाता है। जैसे आप चेक कर सकते हो, ये अलग अलग फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो इजिली, और इसमें आप एडिट कर सकते हो। तो ये हमें जैसे इसमें वन हमारे पेज पर ये आ गया है। और इसके अलावा आप और भी जो है ये देखो, इससे रिलेटेड शेप फॉर्मेट ओपन हो गई है। ये सब आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये वाला है, इसकी आपने आउटलाइनिंग चेंज करनी है, जैसे शेप वेल चेंज करनी है, यहाँ से जो टेक्स्ट है उसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। और देन ये देखो हमारे पास जो है टेक्स्ट बॉक्स में और भी हमारे पास फॉर्मेट है। जैसे ये हम पहले यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट सा डिजाइनिंग सी थोड़ी प्रोवाइड कर दी है इन्होंने। और हम अपने आप भी कुछ भी अलग से भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स था, इसे अब हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये देखो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, कहीं पर भी आपने इनको यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के लिए पहले ये देखो इस तरीके से हमारे पास इसके ऑप्शंस है। पहले हम यहाँ पर कुछ डेटा ले आते हैं। जैसे ये मैं रैंडम फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो रैंडम फॉर्मूला से हमें जो है इस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी ये रैंडम डेटा पिक कर लेता है। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। और अब हमने क्या करना है, क्विक पार्ट्स में क्या है, जो पार्ट आप मतलब कि दोबारा से बार बार यूज करते हो तो उस पार्ट को आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे ये देखो ये हमारे पास है, जो ये हमारे पास था वेन यू क्लिक, ये फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इसको हम इसमें क्विक पार्ट्स में ऐड करेंगे। किस तरीके से हम इसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पहले नेम पूछेगा कि आप कौन सा नेम रखना चाहते हो। तो आप इसका नेम जैसे इम्पोर्टेंट रख लो, या कुछ भी आपने जो रखना है जो आपको इजिली याद रहे, तो इम्पोर्टेंट हम इसको रख लेते हैं। तो ये अब ऐड हो गया है। जैसे ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये ऐड हो गया, और इस डेटा को आपने कहीं पर भी यूज करना है तो इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पर हम इसको ऐड करके दिखाते हैं कि हम इसको किस तरीके से ऐड करते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे वो वाला डेटा आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको जो है क्विक पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पर नहीं, आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट और ओपन करोगे वहां पर आप जाकर क्विक पार्ट में से इनको एडिट कर सकते हो इजीली। और अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पर जाओगे, और यहाँ पर आप नेम पर क्लिक करके, हमने क्या नेम रखा था इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट को सर्च कर लो यहाँ से, और आप वहां से उसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये देखो हम चेक कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है हमारे पास। ओके, इम्पोर्टेंट हमारा कहाँ पर है, हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट, और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हो आप। जैसे ये डिलीट हमने कर दिया है, तो अब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, अदरवाइज ऑटो टेक्स्ट में आपको वो शो होने लग जाता है। तो ये था हमारा क्विक पार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है, जैसे आपने कुछ भी, जैसे आपने फ्रंट पेज किसी असाइनमेंट का क्रिएट करना है, या फिर आपने कुछ भी इनको अप्लाई करके क्रिएट करना है, तो आप इजीली इनको कर सकते हो। जैसे ये हम पहले कोई भी एक चूज कर लेते हैं, इस तरीके से ये आ गया योर टेक्स्ट हेयर, हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ये मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर ज्ञान, तो जैसे हम लिख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एडिट कर लेते हैं, इसकी शेप वगैरह जो है, साइज वगैरह भी हम इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, होम टैब में जाकर हम यहाँ से इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखो हम इनको यूज कर सकते हैं, और शेप
और जो हमारा शेप फॉर्मेटिंग है इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। या से आपको और चाहिए शेडो वगैरह, जैसे 3D इफेक्ट कोई क्रिएट करना है इस पर 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और जैसे ट्रांसफॉर्म इस तरीके से आपने इनको लिखना है तो इनको इजीली यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ग्लो का ऑप्शन अगर आपने अप्लाई करना है तो ग्लो भी हम रिफ्लेक्शन वगैरह को भी एड कर सकते हैं इन पर, तो इनको हम यूज कर सकते हैं हमारे पास जो है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है, हाँ नेक्स्ट ये हमारे पास है ड्रॉपिंग, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का क्या मतलब होता है ये देखो, इसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉवेल्स वगैरह में जो पहला लेटर होता है ये काफी बड़ा शो होता है, तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखो जो हमारा डब्ल्यू है इसको हम पहले ओके कर देते हैं, ड्रॉप हमने किया तो ये देखो जो हमारा डब्ल्यू था वो काफी बड़ा दिखने लग गया। तो इस तरीके से जो आपने चेक किया होगा कहीं बुक बुक्स में और नॉवेल्स में लिखा होता है, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसके मतलब कि बाहर है। और अगर आपने मार्जिन के अंदर इसे लिखना है तो इस तरीके से इसको क्लिक करो और फिर से यहाँ से इन मार्जिन कर सकते हो, मतलब कि वो साइड में हट गया है। इस तरीके से आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हो। तो ये था हमारा ड्रॉप कैप। और नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन वैसे अगर आपने किसी फॉर्म में या फिर किसी एप्लीकेशन में सिग्नेचर को ऐड करना है तो उसके लिए आप सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर आपका वो पहले नेम पूछेगा कि आप किसके रिलेटेड जो है किससे रिलेटेड जो है सिग्नेचर क्रिएट करना चाहते हो, तो इस तरीके से हम इसमें फिल कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टीचर लिख देती हूँ, ऑक्यूपेशन, और नेक्स्ट यहाँ पर मेल आईडी अपनी जो भी है उसको हम फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस अपनी मेल आईडी को इसमें फिल कर दिया है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं और देन हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये देखो आपको सिग्नेचर लाइन शो हो गई है, और यहाँ पर आप साइन कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉस लिखा है, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो शो होने लग जाएगा। तो ये था हमारा सिग्नेचर लाइन का। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो, इसमें अलग अलग पैटर्न होता है। अगर आपको ओनली डेट चाहिए तो आप डेट को इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो अलग अलग पैटर्न है, ईयर आगे है और यहाँ पर पीछे है, इस तरीके से ये अलग अलग पैटर्न है। और अगर आपको टाइमिंग भी साथ में चाहिए तो आप टाइमिंग को भी ऐड कर सकते हो, और ये टाइमिंग अकेली टाइमिंग को ऐड करना है तो इनको आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ से आप अपडेट ऑटोमेटिकली करोगे तो जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे उस दिन की डेट आपको शो होगी, मतलब ये अपडेट कर देगा डेट को ऑटोमेटिकली। इस तरीके से हमने इसको डेट को इंसर्ट कर दिया, तो हम डेट को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने हमारे हेडर फुटर में ऐड करना है या कहीं और पर आपने ऐड करना है तो इसको डेट एंड टाइम को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है। जैसे हमारे पास है कोई चार्ट है, या फिर हमने कोई शेप्स ली थी, पिक्चर है कोई भी, कोई मतलब कि हमारे पास स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड है, ये सबको हम ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। और यहाँ से आप जो है कुछ भी ऐड कर सकते हो इजीली। यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हमने मैक्रो इनेबल स्लाइड को करना है, या फिर पावर पॉइंट को, प्रेजेंटेशन को यहाँ पर लाना है, या स्लाइड्स को लेकर आना है, आप किसी भी चीज को ऐड कर सकते हो। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट है, यहाँ पर आप इनको ऐड कर सकते हो। ये आ गया, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, इसको आप इजिली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, ये देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो गया। इसको आप एडिटिंग भी कर सकते थे, आपने देखा होगा कि साथ में हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट भी ओपन थी जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में क्या होता है, हम इजीली जो हेडर फुटर और पेज नंबर इनको इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में क्या होता है, हम जो है पेज के जो ऊपर टॉप पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में, चाहे हमारे पास 10 पेज है चाहे 100 पेज है, सब पर जो है ऊपर है जहाँ पर हेडर हमारे पास हेडिंग होती है वहां पर वो ऐड होकर आ जाता है। और फुटर में, फुटर में सेम यहीं पर है, मतलब कि इसके जो बॉटम में, पेज के बॉटम
पर अगर हमने कुछ ऐड करना है तो हम फुटर यूज कर सकते हैं, और अगर हमने ऊपर टॉप में ऐड करना है कुछ भी तो वो हेडर यूज कर सकते हैं। और पेज नंबरिंग के लिए हमारे पास अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है कि हम पेज नंबरिंग को ऊपर ऐड करना चाहते हैं या फिर नीचे ऐड करना चाहते हैं पेज के। तो इस तरीके से पहले ये देखो हमारे पास है मतलब कि हेडर को ऐड करने के लिए ये अलग अलग हमारे पास डिजाइनिंग भी है, आप कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ से। ये देखो जैसे हम ये वाली डिजाइनिंग चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर लिख लेती हूँ। तो जैसे ये मैंने कंप्यूटर लिखा तो ये हम जो भी हम पेज लेंगे उन सब पर ये अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ये देखो ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है, इस पर भी ये आ गया है। और अगर हम यहाँ पर जैसे कोई न्यू पेज लेंगे, जैसे ये देखो हम यहाँ से हमारे पास इंसर्ट में से ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, तो जैसे हमने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया तो इस पर भी जो है ये लिखा हुआ आ गया। हमारे पास अभी 4 पेज हो गया और हमारे जो 4 पेज है उन सब पर ये लिखा हुआ हमें शो होने लग गया है। ये देखो देख सकते हो आप कंप्यूटर, यहाँ पर हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट इस तरीके से है कि हम यहाँ पर डेट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो हमारे जो है 4 पेजेस पर ये हमारे पास हेडर जो है वो इंसर्ट हो गया है। और अगर हम आपने हेडर को एडिट करना है तो यहाँ पर जाकर आप डबल क्लिक कर सकते हो तो आप जो है इसको एडिट फिर से कर सकते हो। और अगर आपने हेडर से बाहर आना है तो आप यहाँ पर पेज में आकर डबल क्लिक कर सकते हो तो ये फिर से वहां से चला जाएगा। और एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ से भी है कि आप हेडर को अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, और अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फुटर है, फुटर वही हम बॉटम में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक यू, या कुछ भी आपने जो भी ऐड करना है। जैसे जो स्टूडेंट असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर अपना नेम या फिर अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। तो ये देखो जब भी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो है पेज के हमारे जो है टॉप में हेडर कंप्यूटर ऐड हो गया है और हमारे बॉटम में थैंक यू लिखा आ रहा है, देख सकते हो आप। ये अगर हम कोई भी पेज न्यू पेज भी इंसर्ट करेंगे उस पर भी ये लिखा हुआ आएगा। जितने मर्जी हम पेज इंसर्ट कर ले सब पर हेडर और फुटर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पेज नंबर। तो पेज नंबर ये अपने आप जो है मतलब कि इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे ये देखो टॉप में अगर आपने रखना है पेज को, बॉटम में रखना है, पेज मार्जिन में, इस तरीके से जैसे आपको ये श्योर है इस तरीके से आपने रखना है तो इनको रख सकते हो। करंट पोजिशन जहां पर हमारा कर्सर है अगर आपने वहां पर पेज को इंसर्ट करना है वहां पर भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे हम इसको बॉटम में ऐड कर देते हैं इस तरीके से सेंटर में, तो ये इस तरीके से देख सकते हो आप पेज नंबर ऐड हो गया है। तो ये देखो ये हमारा फर्स्ट पेज था, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है, अपने आप ये इंक्रीमेंट हो जाता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और जितने भी हम पेज लेंगे अपने आप वहां पर जो है ये पेज नंबरिंग इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास था हेडर फुटर का, ये हमारे पास ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसे इमीडिएटली प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें।